hello everybody and welcome in biological world now we will discuss about mitochondria now basically mito means thread and chondria means grain and it is about the size of 2 micrometer and length is 3 to 4 micrometer it was discovered by colliker in 1850 the definition of mitochondria is it is a road shaped filamentous or oval oval cell originally found in the cytoplasm of eukaryotic cell बेसिकली माइट्रोकोंड्रिया जो है वो रॉड शेप फिलामेंटियस या ओवल सेल ऑर्गेनिली है जो कि यूक्रिया सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है यानी इसकी शेप जो है वो वेरी करती है सेल टू सेल इन मसल सेल इसका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है और इसकी शेप वेरी करती है वेयर इज इन मेच्योर आर बी सी इट इज एबसेंट कम्प्लीटली सो ओरिजिनेशन कैसे हुई फर्स्ट ऑफ ऑल इन द डाइग्राम द फर्स्ट प्रोक्रियाटिक सेल विच इन प्रोक्रियाटिक फोटोसेंथेटिक सेल्स उसकी इन्गल्फिंग से क्या हुआ जो जिस प्रोक्रियाटिक फोटोसेंथेटिक सेल्स को इन्गल्फ किया था उसने सेम्बियाटिक रिलेशनशिप दे अडॉप्टेड, सो फोटोसेंथेटिक सेल्स ने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ग्लूकोज की सेंथेसिस स्टार्ट कर दी लेटर ऑन माइक्रोकोन्ड्रिया औरिजिनली इट वॉज अ फ्लेजिलेटेड बैक्टेरियम सो इसको भी इन्गल्फ कर लिया सो जो प्रोकरियाटिक सेल जिसने टू सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स को इनगल्फ किया चेंज टू यू करिटिक सेल देन वाई बिकॉज क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन यही है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीस प्रेजेंट है सो ये प्रोकैरियोटिक से यू करिटिक में कन्वर्ट हो गया सो इन दिस डाइग्राम बेसिकली एक क्लोरोप्लास्ट है और एक माइक्रोकॉन्ड्रिया है वट डज क्लोरोफिल डू क्लोरोप्लास्ट ये सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन सॉरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है जबकि माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारे पास उसी ग्लूकोज को लेकर उसकी ब्रेक डाउन करने के बाद एटीपी की प्रोडक्शन करता है मींस के फूड कौन बनाता है क्लोरोप्लास्ट और उससे एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया सो so, ये सेम्बियाटिक रिलेशनशिप दे अडॉप्टेड एक ने फूड प्रिपेयर किया और दूसरे ने एनर्जी की प्रोडक्शन की सो so ये आपस में सेम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया और एंड चेंज टू यूकेरटिक नाउ इन दिस डाइग्राम हमारे पास माइक्रोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट है उसकी सराउंडिंग हमारे पास साइटोप्लाजम है बिकॉज माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है साइटोप्लाजम में प्रेजेंट होता है सो so हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ग्लूकोज से जो ग्लाइकोलिस होती है ग्लाइको मीन ग्लूकोज लाइसिस मीन स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन सो ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड है उससे हमारे पास पायरोवेट बनता है जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है सो टू पायरोवेट की प्रोडक्शन होती है और सम एटीपी भी रिलीज होती है राइट right? सो so, ये पायरोवेट हमारे पास जाता है डायरेक्टली माइट्रोकॉन्ड्रियम में और माइट्रोकॉन्ड्रियाम में कौन सा प्रोसेस होता है साइकिल द सेकेंड स्टेप इज क्रैप साइकिल राइट सो साइकिल से हमारे पास क्या रिलीज़ होता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है द नेक्स्ट इज़ वन ए टी पी डायरेक्टली जो कि हमें ऊपर शोन है एन ए डी एच एंड देन एफ ए डी एच टू अब हमारे पास वन एन ए डी एच से थ्री ए टी पी के प्रोडक्शन होती है वन एफ ए डी एच टू से टू ए टी पी के प्रोडक्शन होती है एंड देन एन ए डी एच एंड एफ़ ए डी एच टू ये चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो किधर होता है बेसिकली क्रिस्टाइट जो है उसके ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एफ वन पार्टिकल भी कहते हैं सो so, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो रन करती है और हमारे पास इस तरीके से ए uh, की प्रोडक्शन होती है हमारे पास एक ग्लूकोज जो है वो 36 सिक्स ए की प्रोडक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइट्रोकोंड्रिया अगर माइट्रोकोंड्रिया नहीं है तो हमारे पास जस्ट टू ए की प्रोडक्शन होगी इन द एबसेंस ऑफ नाउ ना वर्ड डस्ट डू बेसिकली हमारे पास माइट्रोकोंड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल यू कैन सी राउंडेड फॉर्म में जबकि इनर जो है वो फोल्डेड हुई हुई है फोल्डेड का रीज़न ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और इनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करती है राइट नाउ हमारे पास मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट सॉल्स सॉल्ट है वाटर है एंड देन डीएनए है आरएनए है ये सब बेसिकली हेल्प करते हैं क्रेपसाइकिल के स्टेप में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी तो इन दिस डायग्राम बेसिकली हमारे पास यूकैरटिक सेल है ये साइटोप्लाज्म है सराउंडिंग एंड देन दिस इज द माइक्रोकोन्ड्रिया हमारे पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है बेसिकली वो यूकैरियाटिक सेल का है जिसने कि हमें शोन है डबल मैम्रेन बाउंडेड है उसके अंदर डी एन ए प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स राइट उसके सराउंडिंग पे ए टी एस क्रोमोजोम्स अटैच है वे कम टू द माइक्रोकोन्ड्रिया यहाँ पर हम कहते हैं ये यूकेॉटिक है कैसे यूकैरियाटिक है बिकॉज इसमें सिंगल सेल्ड Uh, वो है डीएनए है सिंगल्ड सो so, उससे जो हमारे पास आरएनए की सेंथिसिस होती है उतरी उसी जगह पे जिसने के प्रोक्रियाटिक का प्रोसेस है डी यानी ट्रांसक्रिप्शन से डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास आरएनए के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन वो सेवेंटी एस है जो कि अगेन एक करैक्टर है प्रोक्रियाटिक सेल का राइट right, सो so अब हम मॉर्फोलोजी uh, देख लेते हैं मैट्रिक्स जो है वो सराउंडिंग में मिडल पार्ट है और उसी को हम इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं वाइल द आउटर बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टाई जो हमारे पास रीजन है उसे हम आउटर कंपार्टमेंट या इनर मेमब्रेन स्पेस कहते हैं एज़ यू कैन सी इनर इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड आउटर कंपार्टमेंट और बेसिकली हमारे पास माइक्रोकोन्ड्रिया जो है वो फिजन का प्रोसेस भी अंडरगो करता एक भी है।, है एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली भी है इसमें प्रोकरियाटिक की क्या करेक्टरस्टिक्स हैं एक डीएनए है एक राइबोसोम्स हैं एंड देन इट इज़ अ सेल्फ रेप्लीकेटिंग ऑर्गेनली सो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोकर था औरजनली जबकि हमारे पास बाहर न्यूक्लियस में आ, जो है वो रॉइबोजोम्स ए है वहाँ पर जो डीएनए है वो कंपैक्ट फॉर्म में है इसके साथ साथ हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया में फोटो रिस्पायरेशन का स्टेप भी होता है इन प्लांट्स फैट की जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो आल्सो अकर इन माइट्रिक्स राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइट्रोकॉन्ड्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग